जयपुर से बड़ी खबर अब ले लेते हैं। पुलिस को मिली है बड़ी सफलता। आटा व्यापारी के निवास पर डकैती प्रकरण का पुलिस ने पर्दाफाश किया है। 23 अगस्त को गलकागेट थाना इलाके में वारदात हुई थी। बदमाशों ने 60 लाख की नकदी और 1.5 किलो सोना लूटा था। पुलिस ने मामले में करीब 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। सफलता मिली है। शाम 4 बजे कमिश्नरेट में प्रेस वार्ता होगी। एडिशनल पुलिस कमिश्नर अजयपाल लांबा खुलासे की जानकारी देंगे। पूरा का पूरा मामला जिसका पटाक्षेप पुलिस ने किया है। 7 लोगों को गिरफ्तार किया है। आटा व्यापारी के निवास पर डकैती का प्रकरण। 23 अगस्त का ये पूरा का पूरा मामला जिसमें लाखों रुपए की नकदी और 1.5 तोला सोना लेकर के डकैत फरार हो गए थे। लुटेरे जो पहुंचे थे वहां पर उन्होंने इस वारदात को अंजाम दिया, उसके बाद वहां से निकले थे, लेकिन पुलिस की गिरफ्त के पीछे अब है 7 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। शाम 4 बजे इस पूरे मामले का पटाक्षेप होगा और मीडिया के सामने जानकारी दी जाएगी किस तरह से ये लोग सलाखों के पीछे पहुंचे। पूरी जानकारी के साथ हमारे सहयोगी सत्यनारायण इस वक्त जुड़ चुके हैं हमारे साथ। सत्यनारायण, एक बड़ा खुलासा पुलिस पे किया है और जो लूट हुई थी आटा व्यापारी के घर पर डकैती का जो प्रकरण था उसका पटाक्षेप पुलिस ने कर दिया है। क्या पूरी जानकारी सामने आ रही है? बड़ी वारदात हुई थी जयपुर शहर के अंदर 23 अगस्त को, जहाँ पर आटा व्यापारी के निवास पर उसकी बहुओं, उसकी पत्नी, बच्चों को बंधक बनाकर करीबन 60 लाख रुपए की नकदी और 1.5 किलो सोना लूटकर डकैत फरार हो गए थे। जयपुर पुलिस के लिए बड़ी बात थी कि इस प्रकार की वारदात को जल्दी खुलासा किया जाए। इसके लिए तमाम जो CST DST और खुद क्राइम की टीमें लगी हुई थी और दिल्ली जाकर पुलिस ने करीबन 7 आरोपियों को लगातार ट्रेस करते हुए गिरफ्तार किया है, जिसमें बताया जा रहा है कि एक महिला भी है, इस डकैतों में एक महिला भी है। साथ साथ जिस व्यक्ति ने यहाँ पर देखी की थी उनको गिरफ्तार किया गया है। माना जा रहा है कि लाखों रुपए का जो माल है लूटा हुआ उनसे बरामद किया गया है। और आज शाम को 4 बजे अजयपाल लांबा जो एडिशनल कमिश्नर है वो पूरे मामले की जानकारी देंगे, किसकी भूमिका रही गिरफ्तार कराने के अंदर। फिलहाल जो आरोपी है उनसे पूछताछ की जा रही है। बताया जा रहा है कि उनसे और भी माल बरामद होने की सूचना है। ऐसे में अभी भी पुलिस की टीमें दिल्ली और दिल्ली के आसपास के क्षेत्र में तभी दे रही है देती। बिल्कुल सत्यनारायण, देखिए 23 अगस्त को वारदात हुई थी, लगातार ये बातें कि पुलिस कब इसका खुलासा करेगी, कब खुलासा करेगी, लेकिन आखिरकार 7 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है, जिसमें शाम 4 बजे जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसमें पूरे मामले का पटाक्षेप हो जाएगा। एक बड़ी सफलता ऐसे कहा जा सकता है सत्यनारायण पुलिस की? पुलिस के लिए नाक का सवाल था, कैसे जिस प्रकार से परिवार को बंधक बनाया गया था जयपुर शहर के अंदर, बड़ी वारदात हुई थी और ऐसे में पुलिस के लिए नाक का सवाल था। और शायद इसी कारण तमाम जो जयपुर शहर के इंस्पेक्टर हैं जो तेज तर्रार इंस्पेक्टर माने जाते हैं उनको टीम में शामिल किया जाता है। करीबन 10 से अधिक टीमें बनाई गई थी और दिल्ली नहीं अपितु हर स्थान पर जहां जहां बदमाशों की संभावना जताई जा रही थी वहां भेजा गया था। आज जाके जो सफलता मिली है पुलिस को, एक पूरी टीम भावना से जो काम किया पुलिस ने, इसकी सफलता मिली है। और फिलहाल बदमाशों से पूछताछ भी की जा रही थी आखिरकार उन्होंने वारदात करने के बाद में और कौन कौन साथी भी फरार है, तो ऐसे में और भी इसमें गिरफ्तार होने के चांसेस है। लेकिन जो 7 गिरफ्तार बता रहे हैं इसमें एक महिला बताई जा रही है, ऐसे में शाम तक का इंतजार करना होगा, पुलिस पूरे मामले का पटाक्षेप करेगी। जैसी बिल्कुल सत्यनारायण, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए, साथ जुड़ने के लिए।